हाई गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपरेखा जी ने की राह। आणि आता आम्ही चाललेलो आहो दाभा रोड ने, शेतावर चाललो। आज आमची पिकनिक आहे तर मी तुम्हाला दाखवणारच आहे तिकडे काय काय होणार आहे ते। आणि आजचा व्लॉग मी मराठी मध्ये करणार आहे, कारण सगळे मोस्टली मराठीच लोक आहे। ठीक आहे, पाहिल मध्ये मध्ये, हिंदी तर माहितच आहे आपली इतकी चांगली नाही आहे। आणि हे डायव्हर्शनच आहे, नागपूरच आहे आमचं, नागपूर पासून थोडं 10 किलोमीटर आलो असेल आम्ही। आहो तसं नागपूरमध्येच, दाभा रोड म्हणून हा निघालेला आहे इकडे, तर काटोल रोडवर चाललेलो आम्ही। आणि हे ट्रॅफिक सकाळचे आता किती 9 वाजले, 9:45 झाले, 10:15 झालेले आहे। आजचं वातावरण एकदम आभाळच आहे, जास्ती ऊन काही नाही आहे। पाहू असं राहिलं वातावरण तर मजा येईल। भेटू आपण शेतावर आता पण। और अभी आने के बाद नाश्ता चल रहा है, कच्चा चूड़ा। ये फोकस, ये देखो इसको पहचान थे ना, ब्लैक वाले, वही मटन लाने वाले, मटन वाली सुशी मौसी। और ये देखो इतने बड़े भगोने में चूड़ा बनाया है, और ये सब लोग ताव मार रहे हैं चूड़े पे। अभी आने के बाद, अभी मैं सबकी पहचान बाद में कराती हूँ, अभी पहले चूड़ा ही देख लो। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है क्या देख के? इसमें हमने कैरी भी डाली है, और देखो संतरा, और ये सब संतरा के खेते। ये देखो कुछ लोग इधर भी खा रहे हैं, और ये देखो अभी संतरा खत्म हो गए, लेकिन बीच बीच में है तो हम लोग तोड़ेंगे उसको। और अभी कच्चा चूड़ा, हमारी स्पेशलिस्ट कच्चा चूड़ा बनाने वाली ये माधुरी, इतना टेस्टी बनाया है ना, बहुत ही यमी। हमारे नागपुर साइड में ना ये कच्चा चूड़ा बहुत पसंद करते हैं सब लोग, पता नहीं आप लोगों के तरफ करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है। ओ ये जो है ना झालमुड़ी, जो बंगाली लोग झाड़मुड़ी खाते है ना, उसी टाइप का रहता है, तो इसको हम कच्चा चूड़ा बोलते हैं। तो आ जाओ सब आप खाने के लिए। और अभी दिन भर का क्या प्रोग्राम है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में। आज का दिन पूरा दिन यही रहना है, और ये पूरे संतरा ऑरेंज, जिसके लिए हमारा नागपुर फेमस है, वो ऑरेंज की खेती देख लो। ये देखो ये सब, इसको ये चूना लगाया है जिससे कुछ नहीं, झाड़ को कीड़ वीड़ लगती है ना, कीड़ इन्फेक्शन, अब हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलता, तो उसके बचाव के लिए देखो पूरे झाड़ों को इन्होंने ऐसे चूना लगा के रखा है। और इधर है देखो छोटी सी कमान, सुंदर सी, वो टूट जाएगी मैं अगर झूला झूलूंगी तो। और ये छोटा सा फार्म हाउस है, ये देखो मेरे नींबू भी लगे हैं। और इधर अभी बन रहा है खाना हम लोगों के लिए मस्त चूल्हे पे, और ये सब दीदी लोग यहाँ पे अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गोभी, मटर, चावल, ये देखो फोकस, ये देखो चावल, इतनी बड़ी परात में चावल रखे हैं, और ये सब अभी हमारे लिए खाना बन रहा है। ये माधुरी और अमर का खेत है, तो यहाँ पे हम लोग आज पिकनिक मनाने आए हैं। ये देखो चूल्हा, इतनी बड़े वो भगोने, उसको क्या बोलते हैं, गंज बोलते हैं हमारे तरफ, आपके तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं, और पातेला नहीं, वो छोटा रहता तो पातेला, ये बड़ा है, ये थाली है, ये देखो कितनी बड़ी थाली है। मसाला क्या? तो इस तरह से अभी चूल्हे पे खाना बन रहा है। काय नाम है तुमचा ताई? चंद्रकला। देखो ये चंद्रकला ताई है, ये अभी सब्जी की तैयारी कर रही है। और ये क्या है तुमचा नाव क्या है? कल्पना। और ये कल्पना है, ये भी हेल्प कर रही है, तो बनने के बाद दिखाती है, आप फोंडी ओंडी देंगे तो। ये है नींबू का झाड़, और ये गाय, उसके बछड़े,
और ये झाड़ और ये देखो कितने सारे नींबू लगे है, पर कच्चे कच्चे हैं थोड़े। ये देखो फोकस, ये देखो। और ये इसको नींबू बहुत पसंद है, तो वो तीन बार नींबू के झाड़ के पीछे ही चक्कर लगा रही है कि कहीं मुझे पका हुआ दिख तो नहीं जाता। और इसको ना हम लोग ट्रेनिंग में थे ना, तब से इसको नींबू बहुत पसंद है, बहुत नींबू के लिए मरमर करती थी। नींबू की इसकी ना नींबू वाले के दुकान में उधारी थी, नींबू वाले के दुकान में उधारी थी, वहां से नींबू लेके आती थी। इमली भी रहती है वो जो गेंदे में नहीं का अवी, जिसको हम अवी बोलते हैं, वो भी रहती है। ले तू भी ले, खुश खुशबू ले लो, ऐसा लगता लगा के। हाँ ऐसा ऐसा है ना, एक हद दिन ऐसे खेत में जाना चाहिए, बहुत मजा आती। अरे मैं गगल क्यों लगा के रखती हूँ, ऐसे ऊपर करती हूँ, दिख रहा है ये फोकस, ये आप लोगों के लिए। और ये देखो अभी हमारा सामान आ गया है, माधुरी देख रही है खोके में क्या क्या है, ये सब अब खाना बनाने के लिए। ये माधुरी की तरफ से पार्टी है, और हमारा अमर भी इसको हेल्प कर रहा है, अमर यानी माधुरी के मिस्टर। और ये देखो कितने सारे, अभी मला थोड़े से संत, ये देखो। और मैं ये घर भी लेके आऊंगी, ये देखो कितने सारे संतरे लगे हैं। और ये जाम का झाड़ है वहाँ पे, पेरू है ऊपर इतने सारे, ये बता रही है पेरू है ऊपर, ये देखो ये संतरा गिरा है नीचे, ये देखो बहुत सारे लगे हैं। केले भी लगे आणि आणि और ये देखो संतरा कैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं और फिर उतारते हैं, यानी हाथ नहीं पुरता ना, तो ये भैया अभी सीढ़ी पे चढ़ के वो संतरा के झाड़ के चारों साइड में इन्होंने बांबू लगाए हैं, और उसको सीढ़ी का सपोर्ट बांबू का मिलता है सीढ़ी को, और उसके बाद चढ़ के वो देखो संतरा तोड़ रहे हैं। मैं झाड़ दिखा रही, मैं खुद दिखी नहीं है। ये देखो ये इसको ऐसे लग रहा संतरा खाओ, ये जाम खाओ, ये नींबू खाओ, ये झाड़ को ही बिल्कुल नीचे से ऊपर तक खा लो, ऐसे कर रही है। और वो जो बीच बीच में दिख रहे हैं ना, पूरे हल्दी के पेड़ है, हल्दी जो टर्मरिक का अपन बोल रहा है इसमें सब्जी में यूज करते हैं ना, उसके है ये देखो पत्ती है। और ये है धनिया की खेती, और अभी देखो मैं धनिया तोड़ रही हूँ, लेकिन ये धनिया तोड़ना ऐसे लगता है अपने को, लेकिन जब अपन तोड़ने जाते ना तो जल्दी जल्दी आती नहीं, पता नहीं चलता ही नहीं पता कि कौन सा तोड़ू क्या तोड़ू। और ऐसे फ्रेश धनिया ऐसी कभी खेत में जाके तोड़े है क्या आपने? ये मेरे को चांस आ गया माधुरी की वजह से, अभी मैं भी धनिया को ऐसे घर लेके जाऊंगी। ये देखो और ये ऐसी फ्रेश, हाँ बहुत ही बढ़िया खुशबू, दिखा उधर से दिखा। गावरानी है, और ये गावरानी है यानी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, इसमें कुछ खतवत कुछ नहीं डाले हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे हैं इसके पौधे। और उधर डांस चालू है, खाना भी बन रहा है, और अभी हम लोग यहाँ धनिया तोड़ रहे हैं। और ना ऐसी मिट्टी भी इसको चिपक के नहीं आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यही बैठ जाऊं। 14 रन, और ये सब लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। 14 रन आखिरी बॉल, और ये देखो हल्दी कैसी निकलती है, ये देखो अभी ये जमीन में से अमर ने निकाला है, तो वो बता रहा है ये बीज है ऊपर का, ये मदर मातृगंधा है, ये देखो मदर रूट है, ये हाँ मदर रूट है, और इसको ये मदर रूट में आई हुई ये हल्दी है। हाँ देखो ये हल्दी है, ये हल्दी है, और ये सब अमर को आता है, अमर ने अभी यही से निकाला है। ये जो है देखो ये खड्डा, देखो
ये दिख रही है ना, तो ये इसको तोड़ेंगे तो इधर इसका कलर देखो कितना अच्छा है, ये कलर देखो कितना अच्छा है, देखो हल्दी का कलर ओरिजिनल एकदम ऑर्गेनिक और इतना अच्छी हल्दी की स्मेल तो एकदम प्योर आ रही है। ये निकलता है जैसा अभी ये यहाँ पे यहाँ निकलेगा, ये देखो ये ऐसे ठोक के वैसे ये पूरी जब निकालते हैं ना तो मशीन से निकालते हैं, लेकिन अभी अपने को दिखाने के लिए अमर ये खोद के ये देखो ये हल्दी कैसे होती है। अभी ये झाड़ जब सूख जाते हैं इनकी पत्तियाँ, ये मदर रूट है और उसको जो लगे हैं साइड में देखो इस टाइप के, तो ये फल्लियाँ है, उसको फल्ली बोलते हैं जो ऐसे खड़े खड़े लगे हैं ना, ये देखो एक मिनट में दूर से दिखाता हूँ, ये अमर अपने को दिखा रहा है। और ये पूरे ये जो एक एकड़ है, कितना एकड़ है तो पता नहीं मुझे, लेकिन इसमें पूरी हल्दी उन्होंने बोई थी तो अभी पूरा हल्दी का तैयार हो गया है। अब ये काटूंगी तो शेंगा ये पुनः 9 महीने टोटल। इसके जो मदर रूट रहता है उसको जमीन के अंदर डाल के रखते हैं तो अगले साल उसी को यूज करके फिर वो फल्लिया यानी जो हल्दी का उत्पादन है वो निकालते हैं। या बस अमर राहु देता ये देखो इतने सारे हम लोग अभी हाँ तिकड़े ठेऊ ना देना ते सगळे मला लागणार आहे हळद। ये देखो ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये देखो अचार ये लतिका दिखा रही है हल्दी, और इसका अचार बनाऊंगी मैं हल्दी का और वो भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शेंगा तो या शेंगा फक्त ते 8-10 दिवस पुरते, खराब होता लवकर थोड़े से करा लगते लोन। इसका अचार जो है ना ज्यादा दिन टिकता नहीं वैसे, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा है, एंटीबायोटिक है और टेस्ट भी अच्छी लगती है चावल के साथ खाओ तो। ये देखो मी सांगते हाँ। और ये देखो माधुरी ने कितनी अच्छी अरेंजमेंट की है, ज्वारी की रोटी ये देखो, ये प्याज वाले पकोड़े और ये बैगन की तर्री वाली सब्जी यो जो या हा 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 हा, और ये मसाला भात और ये कड़ी और ये नहीं वो भूरा शक्कर है, ये हमारी कोशिमबीर, ये भूरा शक्कर, ये पीठी शक्कर, चटनी, ये पीठी शक्कर और ये नमक। और देखो प्लेट में देखो ये भैया मेरे, और अभी सब खाना खाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ ये देखो खेत में सो गुड। माधुरी तुझे क्या कहना है? जो बाजरी के रोटी के साथ खेत पे असल वराडी जेवण आपल्या शेतावर तयार आहे। आता आपण मस्त पैकी ज्वारीची भाकरी, तर्री वाली वांगे बटाट्याची भाजी, मसाले भात आणि भाकरीवर आता आम्ही मस्त पैकी तूप आणि गुळ घेणार आहे आणि तुम्ही फक्त बघायचं आहे, कारण तुम्हाला त्याच्यासाठी इथे यावं लागेल बघले। आणि मलाईचं दही एकदम मस्त घट्ट असं मलाईचं दही आता आपण तिथे साखर घालून खाणार आहोत। आणि ही आमची मावशी, वांग्याची भाजी बनवणारी स्पेशालिस्ट तुझी मावशी, ही आता आपल्या सोबत मस्त गरम गरम जेवण करणार आहे, तुम्ही पण या आमच्या सोबत जेवायला आणि एन्जॉय करा। तो आप सब आ जाइए, देखो ये हमारे सुनील सर और ये मुझे अरे मैं पहचान कर रहा हूं, हाँ ये सब आपको बुला रहे हैं। और ये हमारा विदर्भ की स्पेशल सब्जी है और बैंगन आलू और ये मसाले भात और ये कड़ी।
ये देखो इतने सारे थोड़े, और इसको जो इसका जो है ना जूस बना के बोतल में भर के रख के फिर अपने को जब होना तब यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं खा सकते, लेकिन इच्छा ऐसी हो रही कि इसको पकड़ के कच्चा कच खा लो, लेकिन बहुत खट्टा रहता है। जिसे देख मेरा दिल धड़क, देखो खेत में घूमना कितना अच्छा लगता ना, इतने सारे संतरे के झाड़ और एकदम साफ सुथरा क्लीन खेती है, एकदम ऐसी खेती है ना, ऐसे कुछ कचरा गाड़ी ऐसा नहीं है, एकदम से सीधी सीधी रो भी दिख रही है झाड़ों की। और इसको तो या ये लो ये लो ये लो आप लोगों के लिए, क्या तरीके ये लो आप लोगों के लिए मैं फेंक रही हूँ, ये लो ये आई, चलो एंजॉय करो। खूब ऑरेंज खल्ले, खूब पेरू खल्ले, इन्हें जाम खाए, और अभी घर जाने का टाइम आ गया है। तो ये था मेरा आज का खेत वाला व्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना एकदम से मुफ्त है, फ्री है। तो इसके बाद अगला व्लॉग कहाँ का बनाऊंगी ये तो मैं आपके लिए सरप्राइज रखती हूँ, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, सुखा न रहा आणि सोई न रहा, रूपरेखा जीने की राह पाहत रहा। चला मग भेटू पुन्हा, हाँ टाटा बाय।